छात्रों, ये सूरदास जी के पद चल रहे हैं, पांचवा पद है भ्रमर गीत के। हाँ, भ्रमर गीत के पद चल रहे हैं, तो ध्यान से देखो। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वही लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। बिरथा बहत जमुना खग बोलत, बिरथा कमल फूलन अलि गुंजई। पवन पान घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजई। यह उदो कइयो माधोसु, मदन मार कीनी हम लुंजई। सूरदास प्रभु तुमरे दर्शन को, मग जोवत अखियां भई छुंजई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये हमें जंगल, कुंजे माने जंगल, बैरन माने शत्रु, श्री कृष्ण के बिना ये जंगल हमें शत्रु के समान लग रहा है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान थे तो जंगल में उनके साथ घूमते थे, फिरते थे, तो ये हमें बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब उनके बिना ये जंगल हमें शत्रु के समान लग रहा है। तब वे लता लगत तन शीतल, जब ये लताएं हमें, जब कृष्ण भगवान के सामने हमारे शरीर को शीतलता देती थी, लेकिन अब कृष्ण के वियोग में भयंकर विषम माने भयंकर ज्वाला का समूह लग रही हैं, पुंजे माने समूह। वृथा बहत जमुना, जब यमुना पर हम कृष्ण भगवान आते थे तब उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ये यमुना भी बेकार बह रही है, पक्षी बेकार बोल रहे हैं, कमल के फूल पर भौरे भी बेकार गूंज रहे हैं, अब इनकी आवाज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। पवन वायु पान जल घनसार कपूर संजीवनी दधिसुत माने चंद्रमा की किरणें, किरण मन किरणें, अब हमें भानु सूर्य के समान भून रही हैं, अर्थात जला रही हैं, भुंजई माने जला रही हैं। ये सभी वायु है, ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, जल है, कपूर है, संजीवनी है, चंद्रमा की किरणें, अब कैसी लग रही हैं, सूर्य के समान हमें जला रही है। जैसे गर्मी में सूर्य हमको तेजी में भूनता है और जलाता है, उसी प्रकार से हमें यह सूर्य के समान जला रही है। यह उदो कइयो माधोसो, मदन मार कीनी हम लुंजे। हे उद्धव, तुम कृष्ण भगवान से कहना कि हमें कृष्ण के वियोग में कामदेव ने भी हमें हमारी इंद्रियों को शिथिल बना दिया है, लुंजे माने हमारी इंद्रियों को कमजोर बना दिया है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, प्रभु तुमरे दर्शको, मग जोवत अखिया भंजुंज। हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत या रास्ते को देखते देखते हमारी आंखें भी लाल हो गई हैं। एक टक मार्ग को देखते देखते हमारी आंखें लाल हो गई हैं। नेक्स्ट, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न कई। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव, हमारे प्रभु हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हरियल पक्षी यानी कि तोता लकड़ी को जकड़ कर पकड़ लेता है, उसी प्रकार से हमने प्रभु को भी जकड़ करके पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, क्रम से, वचन से नंद के पुत्र कृष्ण भगवान को हमने अपने हृदय में दृढ़ मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने काने जगरी। जागते सोते सपने में, दिन में रात में हम कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करई ककरी। हे उद्धव, ये तुम योग की बातें जो लाए हो, हमें उसको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली, इतनी बुरी बातें लग रही हैं ये। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी। ऐसा लग रहा है हमारे लिए कोई तुम रोग ले आए हो, व्याधि माने
कोई रोग लिया है वो, जो हमने कभी ना देखा है और ना सुना है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ये योग की बातें तो तिन्हें ले सौंपो, यह तो सूर्य तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये योग की बातें उनको ले जाकर सौंप दो जिनका मन चलायमान रहता है, अर्थात चक्र के समान घूमते रहता है। कभी तो कृष्ण को मना रहे हैं, कभी ब्रह्मा को मना रहे हैं, कभी शिव को मना रहे हैं। ये योग की बातें तो उनको ले जाकर सौंप दो, क्योंकि हमारे मन में तो केवल कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। ठीक है, ये आपको करना है। और काव्य का सौंदर्य मैंने कल ही समझाए थे, वही है इसमें भी, दोनों करने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।